वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपसे शेयर करूंगी मेरा ये वेट एंड वाइल्ड फोटो फोकस फाउंडेशन का रिव्यू। अगर आप जानना चाहते हैं तो मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके बाद जो बेल बटन है उसे भी हिट कर दें ताकि मैं जब भी नया वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन ज़रूर मिले। तो चलिए वीडियोस, तो सबसे पहले बात करते हैं इसके पैकेजिंग के बारे में। तो ये एक ग्लास बोतल में आती है, तो आप देख सकते हैं। और इसका जो प्राइस है ये है 599, बट आपको ऑफ़र में ईजिली मिल जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके अवेलेबिलिटी के बारे में। तो ये कहाँ कहाँ मिलते हैं, ये नाइकअप, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, पर्पल, और आपको ऑफलाइन भी मिल जाएगी। और इसमें 9 सेट आते हैं, और इसमें जो क्वांटिटी है वो है 30 ml। और इसमें एक स्पूली है जिसके मदद से आपको फाउंडेशन को इस्तेमाल करना होता है, जो कि बहुत ही कन्वीनियंट होती है। इस प्रोडक्ट आपको कितनी चाहिए इसके बारे में, तो ये आपको मीडियम टू फुल कवरेज देती है। आप देख सकते हैं इजीली ब्लेंड होती है। तो ये फ़ोटो फोकस मतलब है आपको कैमरा में आप जब पिक्चर उठाओगे इसमें कोई भी फ्लैशबैक आपको नहीं देंगे वो। और ये 100% क्वालिटी फ्री है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही इजीली से ये ब्लेंड हो रही है। हाँ, ये लिटिल बिट स्टिकी है आपके स्किन में, बट ये मैट समर के लिए बहुत ही अच्छी फाउंडेशन है, और बिगिनर को ये मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगी। और ये ऑयली स्किन पीपल भी इस्तेमाल कर सकती है। तो ये नॉन ग्रीशी है, हाँ लिटिल बिट ऑक्सीडाइज होती है। तो चलिए अब देखते हैं। तो मैं पहले इस्तेमाल करूँगी टोनर, मैं गुड वाइब्स का टोनर इस्तेमाल करूँगी, बहुत ही सही वाला टोनर है। उसके बाद मैं इसे अच्छे से स्किन में अब्सॉर्ब होने दूंगी। उसके बाद मैं इस्तेमाल करूंगी NYV का सीरम, ये मैं करंट इस्तेमाल कर रही हूँ, बट दिस इज़ वेरी नाइस, मुझे बेहद पसंद आई। और आपको लाइटिंग में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि ये एक नॉर्मल लाइट में मैं सूट कर रही हूँ। उसके बाद मैं इस्तेमाल करूँगी विटामिन ई का मॉइस्चराइज़र, तो ये मेरे करंट फेवरेट मॉइस्चराइज़र है। तो मैं इसे अच्छे से मैं स्किन में अप्लाई कर लूँगी। तो आज मैं कोई भी प्राइमर नहीं इस्तेमाल करूँगी क्योंकि मेरी स्किन पहले से बहुत स्मूथ है। उसके बाद मैं इस्तेमाल करूँगी ये फाउंडेशन, तो मैं डायरेक्ट स्पैचुला की मदद से मेरे फेस में अप्लाई कर लूँगी। आप चाहे तो अपने हाथ में निकलने के बाद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसको अच्छे से मेरे नेक में भी इस्तेमाल कर लूँगी। उसके बाद मैं मेरे ब्लेंड जो ब्लेंडर है उसी से मैं ब्लेंड कर लूँगी। आप चाहे तो ब्रश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं देख सकते हैं नॉर्मल स्पीड में ही इसे ब्लेंड कर रही हूँ, बहुत ही अच्छी है ब्लेंडिंग में। अगर आप चाहेंगे तो अब मैं ऐसे जूम कर भी के भी दिखाऊंगी आपको। तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छे से ब्लेंड हो रही है। तो मैं अब बहुत ही सही वाला फाउंडेशन है, तो ये है फाइनल लुक।